ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई खिलाड़ी लगातार दो दो मेडल जीतने में कामयाब हो, लेकिन भारत की तरफ से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने यह कमाल करके दिखाया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज ने बड़े ही शान से सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अगर देखें तो नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा था, जिसने हर किसी की धड़कन बढ़ा दी थी। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि नीरज 6 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक में ही सही थ्रो कर पाए, बाकी के 5 थ्रो उनके फाउल रहे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो अपने दूसरे प्रयास में किया था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे ज्यादा दूर 92.97 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। नीरज की जीत के बाद देर रात जमकर जश्न मनाया गया। हर किसी ने नीरज को जीत की बधाई दी। ओलंपिक में नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। टीम इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि एक ही थ्रो लगा है मगर वो देश के लिए इतिहास रचने वाला बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक ही थ्रो था पर सही थी थ्रो तो, लेकिन पता नहीं मतलब बाकी थ्रो फाउल हो गए और रनवे सही से नहीं बैठा बस, पर कोई नहीं, फाइनली देश के लिए मेडल जीतना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अगर गोल्ड की बात करें तो शायद वो अपना दिन नहीं था, वो अरशद का दिन था, लेकिन ऐसी खुशी भी देश को बहुत ज़्यादा दी है गोल्ड जीत के। आज सिल्वर में खुश हो जाएंगे, स्पोर्ट्स में यही चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम में फिर मौका मिलेगा, फिर से कंपटीशन होगा, फिर वो करेंगे। और पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, ऑल ओवर देखे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। हरियाणा से पंचकुला से पेरिस तक का एक सफ़र था, छोटे गाँव से सफर था यहाँ तक सफर था, एक नया वो भी एक नया इतिहास है देश के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो जर्नी रही है काफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पता नहीं था यहाँ भी पहुँच जाएंगे, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही और काफ़ी अप डाउन्स आए, और फिर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कल तिरंगा लहराएगा, दूसरी बार ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहराएगा, उसकी क्या खुशी होगी जब तिरंगा ऊपर जाएगा? तिरंगा ऊपर जाएगा लेकिन अपना राष्ट्रगान नहीं बजेगा, बस इसका वो है, उसकी खुशी अलग होती है और वो बिल्कुल टोटली अलग फीलिंग है। पर फिर भी अगर कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी बहुत खुशी है, और हमेशा बस ऐसे ही जीतते रहें अपनी कंट्री के लिए, और जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। दो बार मेडलिस्ट आइडियल बन गए, क्या बोलेंगे देश के खिलाड़ी? बस देश के खिलाड़ियों को ये बोलूँगा कि बिलीव रखें खुद पे और अपने आप को हंगरी रखें हमेशा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पोटेंशियल तक ना जाओ तब तक रुको मत, और ऐसे मत मानो कि यार बस जीत लिया है तो काफ़ी है, हमेशा आगे और रास्ते खुले रहते हैं, और मेहनत करो और अपने आप को निखारो और ज़्यादा जीतो। बधाई हो। थैंक यू।